उत्तर प्रदेश के मनगढ़ प्रतापगढ़ समाज के पिछड़े क्षेत्र की लड़कियों को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सराहनीय भूमिका निभाने वाले जगतगुरु कृपालु परिषद एजुकेशन ट्रस्ट को लखनऊ में जीटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड टेलीविजन चैनल की ओर से सम्मानित किया गया। भव्य समारोह में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों जेकेपी एजुकेशन ट्रस्ट को यह अवार्ड मिला। यह अवार्ड जेकेपी के ट्रस्टी रामपुरी ने ग्रहण किया। अवार्ड हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के लिए है, जिन्होंने सबको बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस दिए थे स्कूल कॉलेज को, जो हमारा फ्री चैरिटेबल स्कूल कॉलेज चल रहा है कुंडा प्रतापगढ़ में, जहाँ पे हम 5,000 लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। स्कूल जो है तीन भाग में है, प्राइमरी सेक्शन, इंटर कॉलेज और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो लड़की एक बार हमारे यहाँ एडमिशन लेती है प्राइमरी स्कूल में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक MA, MSc, BEd तक पढ़ सकती है। वहीं जेकेपी अध्यक्ष डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी ने बताया कि जगतगुरु कृपालु जी महाराज की प्रेरणा से परिषद लड़कियों में स्वाभिमान की भावना जगाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। हमारे तीनों स्कूलों में अल्पसंख्यक समाज की छात्राएं भी बड़ी तादाद में पढ़ रही हैं। साथ उन्होंने बताया कि यहां पढ़ने वाली सभी छात्राओं को कॉपी बुक्स, स्टेशनरी, स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म समेत कई उपयोगी वस्तुएं जरूरत के अनुसार निःशुल्क दी जाती हैं। बता दें कि समाज सेवा में किए जा रहे अनुपम योगदान के लिए जेकेपी ट्रस्ट को अतीत में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें मनगढ़ के भक्ति धाम में आयोजित डिफेंस ट्रेनिंग के लिए जेकेपी एजुकेशन का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर, लखनऊ।